अयोध्या में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर अब भक्तों के लिए खोल दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के साथ ही मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पहले दिन इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए कि इनको संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। वहीं मंदिर प्रशासन ने भगवान के दर्शन और उनके शयन का टाइम टेबल जारी कर दिया है। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद 23 जनवरी से राम मंदिर में रामलला की पूजा का विधान तय हो गया है। इसके लिए श्री रामोपासना नाम से संहिता बनाई गई है। नियम के तहत ब्रह्म मुहूर्त में करीब 3 बजे से गर्भगृह की स्वच्छता करने, पूजन और श्रृंगार की तैयारी की जाएगी। 3:30 से 4 बजे के करीब भगवान के दोनों विग्रह और श्री यंत्र को मंत्रों से जगाया जाएगा। मंगला आरती के बाद विग्रहों का अभिषेक श्रृंगार भोग होगा। श्रृंगार आरती होगी, ये 4:30 से 5 बजे होगी। सुबह 8 बजे से दर्शन शुरू होंगे। दोपहर करीब 1 बजे मध्यान्ह में भोग आरती होगी। 2 घंटे दर्शन बंद रहेंगे, भगवान श्री राम विश्राम करेंगे। दोपहर 3 बजे से दर्शन फिर से शुरू होंगे, जो रात 10 बजे तक लगातार जारी रहेंगे। इसी बीच शाम 7 बजे संध्या आरती होगी। श्रद्धालुओं की ज़्यादा संख्या को देखते हुए मंदिर में दर्शन की अवधि 14 से 15 घंटे हो सकती है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि 1949 में प्रकट हुए श्री रामलला के वस्त्रों का रंग दिन के अनुसार रहा है। ये परंपरा नए मंदिर में भी जारी रहेगी। रामलला हर सोमवार को सामान्य दिनों में सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे, वहीं विशेष अवसर पर पीले वस्त्र धारण करेंगे। भगवान श्री राम मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला वस्त्र पहनेंगे, वहीं शुक्रवार को हल्का पीला या क्रीम कलर के वस्त्र से सुशोभित होंगे। शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनेंगे। नए बाल रूप विग्रह के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने पुणे के हेरिटेज एंड हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट से हथकरघे पर कपड़े तैयार करवाए हैं। इनकी बुनाई में देश के 10 से 15 लाख कारीगर शामिल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन ही भगवान श्री राम के दर्शन को लाखों की संख्या में भक्त पहुंच गए। इसकी वजह से प्रशासन ने श्रद्धालुओं को राम मंदिर प्रवेश द्वार पर रोक दिया। गर्भगृह के भीतर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए लोगों को रोकने का फैसला किया गया। राम पथ पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। लोगों को सिर्फ पैदल चलने की इजाज़त है। बता दें कि शहादतगंज से नया घाट को जोड़ने वाली सड़क को राम पथ का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग रात से ही दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। वीडियो और तस्वीरों में सुबह के हालात देखे जा सकते हैं। अयोध्या में दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। लोगों को भगवा झंडे के साथ एंट्री के लिए इंतजार करते हुए देखा जा सकता है। राम मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को रोकने के लिए रस्सियाँ लगाई गई हैं, जिससे एक एक करके ही भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए भेजा जाए। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के लिए भीड़ को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस और प्रशासन दोनों ने लोगों से गुजारिश की है कि वे मंदिर में दर्शन के लिए धक्का मुक्की ना करें। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने पर जोर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।